कोरियन सर के लिए अगली बार अनुवादक का प्रबंध करेंगे, तब उनके यहाँ बैठना अच्छा लगेगा। वो हर हंसी की बात पे आप सब लोगों की तरफ मुड़कर देखते थे कि हंस क्यों रहे हैं, पर ये ऐसा होना चाहिए कि वे कविता उन तक पहुँचे। अब देखिए, कोई गायक हो, गा रहा हो, तब तो सुना भी जा सकता है, लेकिन हमारे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके हैं, और हमारे भी कहाँ हैं वो शब्द पता नहीं किन किन के हैं, आपके हैं, इनके हैं, इनके हैं, लो तुम्हें दे रहे हैं गिन गिन के, थोड़ी देर हो जाना अगर हो सको इनके, मेरे शब्द शब्द नहीं हैं, डूबते को सहारे के तिनके। पिता को डर लगता है, बेटी को लगता है कि बाप डरपोक है। वैसे मैं कहूँगा, भवानी दादा ने कहा था कि तुम डरो नहीं लेकिन डर कहाँ नहीं है, तुम डरो नहीं लेकिन डर कहाँ नहीं है, कुछ खास बात पर डर की यहाँ नहीं है। क्योंकि इतने सब न्याय के लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ तो कम से कम मत डरो। सरिता शर्मा के घर जब बेटी हुई, नन्नी परी इनके घर में आई, तो मैंने इनके लिए एक बधाई लिख के भेजी कि ये गवाना, और इन्होंने वो बधाई गवाई, वो थी कि गाओ गाओ बधाई लली आई, गाओ गाओ बधाई लली आई, घर की बगिया में कोमल कली आई, गाओ गाओ बधाई लली आई। तीसरी लाइन कुछ और थी, जैसे मिश्री की रिमझिम डली आई, गाओ गाओ बधाई लली। अपने भूलने के अंदाज को भी मैंने कितनी जल्दी तीसरी लाइन भूल गया। लेकिन मैं एक चीज और नहीं भूला, वो ये कि मथुरा आकाशवाणी पर सरिता शर्मा उद्घोषिका थी, अनाउंसर थी, और गीत भी लिखा करती थी। तो मैंने जब इनके गीत सुने, और ये कवि सम्मेलनों की कवियत्री नहीं थी, नहीं जाया करती थी, ये बात भी बता रहा हूँ मैं आपको 20 साल पुरानी, तो मैंने इनके लिए गीत लिखा। इनका इनकी परेशानी सुनने के बाद वो गीत मैं इनकी प्रस्तावना में आपको सुना रहा हूँ। 2 मिनट का गीत मेरा है कि लली बाहर गली में कैसे निकले कि छली न जाए, उसकी उड़ान पहली उड़ान ऐसी कैसी हो कि आकाश नाप के आए। फिर लीजिए, गीत सुनाता हूँ, मैं गीतकार नहीं हूँ, व्यंगी की कविताएं सुनाता हूँ, लेकिन होली का मामला है, मैं चंग भी उठा के गा सकती हूँ। एक चिड़िया पहली बार उड़ेगी तो कैसा लगेगा, जरूरी नहीं कि आप तालियां बजाएं, बहुत सारा अनुरोध कर दिया, आप देखते ही होंगे देश भिखारियों का देश है, अब यहाँ भी भिखारी बैठा दिए, ताली 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 ताली, 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 ताली। जहाँ आपका मन करे वहां बजाना, ऐसा जबरदस्ती कोई नहीं, हम भी आपसे नहीं कहेंगे। सही जगह बजाते हैं। जी, चिड़िया पहली बार उड़ती, ये गीत आपने गौरव जी कभी नहीं सुना। चिड़िया चिड़िया तुझ हो मगन, धरा मगन गगन मगन, हेला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन। अब जब हौसले से घोंसले से आई निकल, चल बड़ी दूर बहुत दूर जहां तेरे सजन। चिड़िया तुझो मगन, धरा मगन गगन मगन, फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन। अब जब हौसले से घोंसले से आई निकल, चल बड़ी दूर बहुत दूर जहां तेरे सजन। अब टॉप एंगल से चिड़िया को क्या दिखाई दे, वृक्ष की डाल दिखें, जंगल ताल दिखें, खेतों में झूम रही धान की बाल दिखें, गांव देहात दिखें, रात दिखे प्रात दिखे, खुलकर घूम यहाँ, यहाँ नहीं घर की घुटन। चिड़िया तुझो मगन, धरा मगन गगन मगन, फैला ले पंख जरा, उड़ तो सही बोली पवन।
गीत लंबा है मेरा पूरा ना सुनाओ ना। मैं तो बस अब सरिता को ही बुलाऊंगा। तो सरिता, बहुत सारे मित्र जानना चाहते हैं लेकिन उनसे ज्यादा आना चाहते हैं। जो जाना चाहते हैं उनके लिए निकलने का मार्ग नहीं है, वो तभी बन पाएगा जो आना चाहते हैं उनको स्थान मिल जाए। तो ये जाना आना तो लगा रहता है, उसी तरह जैसे कविता में सुख दुख लगे रहते हैं। अभी होली का गीत गाया, ठेठोली का गीत गाया, अब ऐसा गीत गाया कि खुद रोली। तो मित्रों सुन, मेरे मुन्ने सुन मेरी मुनिया, जिंदगी है एक हारमोनिया जिसमें होती है सफेद और काली दो पट्टी। सफेद मानो सुख की तो काली मानो दुख की। लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त मेरे मित्र, कि दोनों पट्टियों से बचता है जीवन संगी। अगर करुणा ना हो तो हंसी का कोई मतलब नहीं है, और जो हंसना नहीं जानता वो रो भी नहीं सकता। तो ऐसे निष्प्राण संवेदनहीन संवेदन शून्य मनुहूसाचार्यों को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सचमुच मनुष्य हैं वे हंसने का मौका ढूंढते हैं। आप चैम्बर से जब निकलते हैं या कोर्ट रूम में जाते हैं तो गलियारे में आते हैं, तो गलियारे में कोई गरियाता हुआ भी दिख जाता है। गलियारे में बहुत लोग गरियाते हैं साथ, और ऐसे गरियाते हैं कि वो सुन ले जिसके वो गाली दी जा रही है। नाम ना ले रहा तो ही तो कह रहा हूं, ब्रजभाषा चल रही है आज तक यहां, बड़ी अच्छी चल रही है। मुझे खुशी है कि आप ब्रजभाषा का भी आनंद ले रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाबी का भी ले सकते हैं आप, बुंदेलखंडी मगही मैथिली भोजपुरी सबका ले सकते हैं, क्योंकि वे सब हिंदी की बोलियां हैं। दिक्कत तब आती है जब बोलियां आसपास बैठकर रंगोलियां सजाने से अलग अलग ठिकाने पे दीवार पर भित्ति चित्र बनाने लगती हैं और दीवार खड़ी करने लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी जो ताकत है, जो शक्ति है, वो तब सर्वोच्च सत्ता बनेगी दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात, जब न्यायपालिका में भी हिंदी प्रयुक्त होगी। मैं वो दिन देख रहा हूं, ऐसे दिन आए कि ख्वाबों की जरूरत न रहे, ऐसे कुछ ख्वाब भी पलकों पे सजाए रहिए। जो न्याय दिया जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है उसको समझ में आए, जो न्याय लिया जा रहा है जिससे लिया जा रहा है उसको भी समझ में आए कि जो दिया वो सही लिया और जो किया वो सही किया। अब पता ही नहीं लग पाता किसने क्या किया, ये ध्यान रहता कि क्या लिया क्या दिया। तो लिया और दिया के बीच में जो दिया है हिंदी का अगर जल जाएगा तो न्याय त्वरित गति पाएगा, झगड़े जल्दी खत्म होंगे। जो समझता है कि मेरे कारण गड़बड़ नहीं हो रही वो समझ जाएगा कि मेरे ही कारण गलती हुई थी, वो समझ जाएगा और अकारण नहीं दबाया जाएगा। बहुत सारे मसले होते हैं, अगर हिंदी में समझा दो बिठा के तो ठीक होता है। इतने तलाक के मुकदमे आते हैं अंग्रेजी बोलते ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। अरे भैया हिंदी में समझा दो ना बैठ के, जा सलाद काट, बोतल लेके वो आ रहा है, आज तू भी लगा लेना। देखिए किसा कर प्यार के इतने बढ़िया गीत गाए। अच्छा प्यार का दुश्मन क्या है? प्यार का दुश्मन है अहंकार, ईगो, और वो आप सब लोग झेलते हैं अपने क्लाइंट्स के सामने। आपकी भलाई इसी में है कि वो ईगो गो न हो, बना रहे, जैसे गो इंडिगो है ना, ना, ना। गोई गो नहीं करना है, तू भी लड़, ये भी लड़ेगा, अपने आप जब समझ में आ जाए एकदम मुकदमा अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए तीन पंक्तियों की एक कविता बताता हूँ, होली का माहौल है, मस्ती में सुनिए। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा।
अगर कुछ है तो ईगो है। कल है हरदम जो बोता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। और तुझे भ्रम है कि तू खुश है, मुझे भ्रम है, मुझे भ्रम है कि तू खुश है, तुझे भ्रम है कि मैं खुश हूं। न तू खुश है न मैं खुश हूं, अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है वही सब कुछ। और दोस्तों, बिन मांगे तीसरी पंक्ति पर आप स्वयं वो देंगे जो मैं नहीं मांग रहा, अभी नहीं, अग्रिम अग्रिम नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं। फिर से सुनिए, तुझे भ्रम है मैं तेरा हूँ, मुझे भ्रम है तू मेरी है, न तू मेरी न मैं तेरा, अगर कुछ है तो ईगो है। कल है हरदम जो होता है, वही सब कुछ, वही सब कुछ। तुझे भ्रम है कि मैं खुश हूँ, मुझे भ्रम है कि तू खुश है, न तू खुश है न मैं खुश हूँ, अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो रोता है। तीसरी पंक्ति है कि तुझे भ्रम है कि तू कुछ है और मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूँ, तुझे भ्रम है कि तू कुछ है, मुझे भ्रम है कि मैं कुछ हूँ, न तू कुछ है न मैं कुछ हूँ, अगर कुछ है तो कुछ कुछ है। कुछ कुछ बना रहे तो सब कुछ बना रहे। ये जो प्रेम है, ये हमारा स्थाई भाव अगर बन जाए तो सारे रंग खिलते हैं हमारी जिंदगी के। मैं चाहूंगा कि अब हंसी का जो घनत्वपूर्ण प्रयोग किया जा सकता है, ह्यूमर विद डेंसिटी, उसके लिए हमारे पास एक अदद हास्य बम रखा हुआ है। अच्छा, कई बार बहुत ज्यादा कह दो तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, पर वो तो फिर से निकला यार। तो इनके साथ कोई शंका की बात ही नहीं है कि इनके पास कॉन्फिडेंस रहता है। और सहज हास्य, निर्मल हास्य जो अंदर से निकलता है, पता नहीं कहां से आता है। हंसी के बारे में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि कहां से आती है। आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती है। और जब आती है तो गाल गुलेल हो जाते हैं, सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। ये हंसी अपना शिकंजा कुछ इस तरह कसती है कि मुंह दांत भींच लो तो तौंद हंसती है। देखा है कभी किसी तौंद का हंसना? फैट्स के दरिया में जैसे कैट्स का उछलना, बड़ा चार्मिक दृश्य होता है। तो मैं बुला रहा हूं भाई श्री प्रदीप चौबे को कि वे आए, थोड़ा पैर में तकलीफ है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ला रहे हैं, सचमुच है। हास्य कवि के बारे में तो कुछ भी कर ले, वो समझेंगे कि ये सब नाटक है और ये सब हंसाने के उपक्रम है। एक कवि थे जिनकी चोट लग गई तो आधी तालियां तो सहानुभूति में बजवा लेते थे, तो अगले कवि ने अगले दिन प्लास्टर आके चढ़ा के ले आया, तो भैया ताली बजा दो मेरे पैर में चोट है। आप तालियां बजाइए कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे